सात अली पढ़, सात सात अली पढ़, अली पढ़। बंदे हैरान हो गए, सात अली पढ़। अली रहे ही बीबी के पास, छह साल के थे अली जब सैयदा लेने गई थी। हाँ, वजह क्या थी कि जब आखिर रिसालत इमाम हुआ था और सरकार अबू तालिब ने निकाह पढ़ा था, तो हक मेहर देने के बाद सरकार अबू तालिब ने पूछा, बेटी खदीजा कुछ मांग मांग, तो मैं आपका दिया, आपका और मेरे अल्लाह का दिया सब कुछ, इकरा खा गए आप, आपके और मेरे अल्लाह का दिया, फिर कह रहा आपके और मेरे अल्लाह का दिया सब कुछ, सब कुछ क्या मांग, क्या मांग, क्या मांग, वैसे 5,000 दीनार हाथ में था, दीनार 3 तोले का होता है, वो सरकार अबू तालिब ने दिया था। आए आए हैं, अब जो बंदे कहते ना सलाम उस पर, शाबाश, जो स्पीकर पे बोल पड़े, जागना जागना, सरकार अबू तालिब ने कहा खदीजा मेरी हसरत है, हसरत है, अर्ज की सरकार सब कुछ है, फिर फरमाया नहीं मेरा हुक्म है बेटी कुछ मांग। बीबी कहने लगी अच्छा आपको हुक्म है तो आज नहीं मांगती मैं, मुनासिब वक्त से फिर आपसे कुछ मांगूंगी। सरकार अबू तालिब ने फरमाया जब आपका जी चाहे मांगिएगा हम देंगे। भाई तवज्जो, 26 साल की थी सैयदा, 25 साल के रसूल, 5 साल और गुजर गए, काबा में अली आ गए, 6 साल और गुजर गए, अली 6 साल के हो गए, जब अली 6 साल के हो गए तो फिर सैयदा खदीजा नबियों के सुल्तान से कहने लगी, नबियों का सुल्तान ने कहा के वक्त चचा अबू तालिब ने कहा था तुम मांगना हम देंगे, हमारा दिल चाह रहा हम कुछ मांगे, फरमाया जाए आपके भी चचा है आप भी मांगिए जाके, फरमाया नहीं अकेले नहीं जाऊंगी, आज मांगने के लिए बांटने वाला साथ ले जाओगे, जो बंदे हाथ ना उठा सके वो किसी और को दान दे दे, आज बांटने वाला साथ लेके नबियों के सुल्तान को साथ ले, सैयदा ने वहां आ गई जहां मुरब्बी है रिसाल रिसाल सरकार इमरान तशरीफ रखी, आओ बेटी खदीजा कैसे आए, चाचा जाना आपने वादा किया था आप मांगना हम देंगे, आज मैं मांगने आई, फरमाया फिक्र कहने के बाद जो पीछे हजरात खड़े उठ सके तो उठाइएगा ताहिन में, आवाज देके कहते बेटी खदीजा मांगो क्या चाहिए, जमीन चाहिए या आसमान, बीबी खदीजा आवाज देके कहती ना जमीन चाहिए ना आसमान, मालिक के जमीन और आसमान अली चाहिए, जो हाथ उठा सके भाई मालिक के जमीन और आसमान अली चाहिए। बंदे अपने बच्चे दे देते हैं लेकिन एक दिन के दो दिन के तीन दिन के जब बच्चा माँ बाप को पहचानने लगे फिर दिया भी नहीं जाता, अब कोई देना भी चाहे चाहे तो नहीं दिया जाता, बच्चा रो के वापस आ जाता, 6 साल के अभी भी, अभी भी खदीजा कह रही है हमें दे, रसूल ने फरमाया आपका हुआ तो चाहिए थे ना अली पलट के देखते बाबा को, फिक्रा सुनना, जैसे ही अबू तालिब ने कहा आपका हुआ, पाक मिंबर पे खड़ा हूँ, एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाले अली दो उंगलियां पकड़ के चले, दो उंगलियां पकड़ के अली चले, नबियों के सुल्तान खामोश सफर तय करते खड़ा, अल्लाह की जगह पे बोलने वाला मेरा मुस्तफा अपनी जगह पे चुप बैठ गया खामोश बैठे, सजदा आवाज देके कहती है नबियों का सुल्तान मुझे लगता है आप कुछ पूछना चाहते हैं, फरमाया खदीजा आपसे बड़ा मिजाज शना से नबूवत कौन है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, जी जी मौला फरमाया, खदीजा अली पहले भी यहीं रहते थे, खाना भी हमारे साथ ही खाते थे, नमाज भी हमारे साथ ही पढ़ते थे, जब रोज आ जाते थे रोज चले जाते थे, आज मुस्तकिल क्यों मांगा, जिसका अकीदा कमजोर हो वो कानों में उंगली ना ठोंच ले,
बीबी खदीजा आवाज देके कहती सवाल आपका है तो जवाब देना वाजिब है। जरा दोनों भाई उठ के मेरे सामने खड़े हो जाए। मोहम्मद और अली मिली हुई उंगलियों की तरह खड़े हो गए। हसनैन की रानी इशारा करके कहती मोहम्मद और रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह सही में चाहती थी सारा कलमा मेरा हो जा। जो हाथ अब भी नहीं उठा यार दाइद में नहीं उठ सका सारा कलमा वो अली नमाज सैयदा नमाज और एक दिन सरकार अबू तालिब आए घर चले गए। जनाबे जाफर तैयार का हाथ पकड़ के साथ ले आए साथ लाके खड़ा कर दिया। फरमाया तुम भी जाफर इनके साथ नमाज पढ़ो तुम भी इनके साथ नमाज नमाज खुद बरहना तलवार ले अबू तालिब तवाफ करना कि अबू लहब आ गया। उसने आके अदा होती हुई नमाज को देखा और फिर सरकारे अबू तालिब के हाथ में बरहना तलवार देखा। आवाज देके कहने लगा अबू तालिब ये तेरे बच्चे अबू तालिब ये तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं कभी उठते हैं कभी बैठते हैं कभी झुकते हैं कभी जमीन पे जमीन रखते हैं। सरकारे अबू तालिब ने फरमाया वो नमाज पढ़ रहे हैं और कहने लगा आप क्या कर रहे हैं फरमाया मैं कायम कर रहा हूँ। जी आप सलामत सलामत जिंदगी हो बहुत अच्छा वो पढ़ रहे हैं मैं कायम। मेरे काबिले सादे सलाम साहब नमाज वाजिब है माशाल्लाह लेकिन ये याद रखना बची उनके सदके में जिन्होंने टूटी हुई पसलियों के साथ पढ़ी। हाँ